हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए के रिपेयर्स 9795 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों को सामने आज हम एक बोनियो दे रहे हैं जो कि हमारा वीवो का न्यू मॉडल है। ठीक है दोस्तों, वीवो Y31 2021। ठीक है दोस्तों, ये हमारा न्यू मॉडल फ़ोन है। इसमें हमारी जो नेटवर्क प्रॉब्लम्स आती हैं, तो नेटवर्क प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं, कौन कौन सी लाइनें हमें चेक करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, और इसका मैं बोर्नियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको लाइनें देख लीजिए, ये लाइनें जितनी भी यहाँ पे दे रहा है, एंटीना WTR, WTR-TX, ठीक है दोस्तों, TRX, B1, WTR, ये सब लाइनें हमें यहाँ पे मिलेंगी और चेक करनी है। मैं बोर्नियो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो बोर्नियो में आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और कि कहाँ पर कितने वोल्टेज आने चाहिए और कौन सा पॉइंट हमारा मिस नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से हमारा नेटवर्क स्टार्ट होता है, यानी यहाँ पे हम अपने नेटवर्क का जो वायर होता है यहाँ पे लगाते हैं, नीचे सब बोर्ड से इस बोर्ड पे, मदरबोर्ड पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये लाइनें यहाँ तक जाती हैं, इस आईसी तक, उसके बाद में ये आईसी रिटर्न करते हैं इस WTR IC पे, ठीक है दोस्तों, ये WTR IC हमारी। उसके बाद में यहाँ पे ये सब लाइनें आप देख सकते हैं कि कौन सी लाइन कहाँ पे आ रही है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो लाइनें आपको देखनी है क्योंकि हर लाइन के बारे में बताने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इसमें आप मैं आपको मेन मेन लाइनें बता दूंगा। तो देख सकते हैं हमारे नेटवर्क कहाँ से कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आईसी हमारी लगी हुई है, ये हमारी आईसी PM IC है, इससे वोल्टेज वाली लाइनें निकलती हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि इस पॉइंट से निकल रही है जिस पे लिखा है VERG 1.2, यानी यहाँ से वोल्टेज रेगुलेट की लाइन निकल रही है जो कि 1.2 वोल्टेज की है, यानी यहाँ पे जो इस लाइन पे हमें वोल्टेज देखने को मिलेंगे 1.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। और ये लाइन हमारी इस कैपेसिटर से, इस कैपेसिटर पे, इस यहाँ पे चार इसके कैपेसिटर, पांच कैपेसिटर लगे हैं, उसके बाद में इस आईसी के अंदर ये लाइन जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये लाइन अगर नहीं आएगी तब भी हमारा नेटवर्क वर्क नहीं करेगा। उसके बाद में एक VPH पावर लाइन 1.8, यानी वर्क रेगुलेटर लाइन है ये LDO, ठीक है दोस्तों, 1.8 की सप्लाई इस पावर आईसी से निकल रही है। तो ये लाइन हमारी नीचे से जाती हुई इस आईसी पे आती है, जो कि हमारे, यानी TRX, यानी ये हमारे जो 5G 4G नेटवर्क होते हैं उनकी ये आईसी है। इस पे हमें जो वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे इस कैपेसिटर से इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे 1.8 वोल्टेज मिलेंगे। उसके बाद में एक लाइन इसी पे आती है VBAT की, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे माउस का हमारे कर्सर है, VBAT के ये लाल कलर की लाइन है, ये इन कंपोनेंट्स थ्रू इस आईसी पे जाती है। और ये लाइन आती कहाँ से, ये भी देख लीजिए, ये लाइन हमारी इस आईसी से आती है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जाती है। और ये लाइन हमारी जुड़ी हुई है, ये लाइन हमारी बैटरी के कनेक्टर से भी जुड़ी हो सकती है, और ये लाइन हमारी, ये लाइन हमारी देखते हैं कहाँ से आ रही है। तो ये लाइन हमारी चार्जिंग आईसी से के इस पॉइंट से आ रही है, यहाँ पे कैपेसिटर भी मिलेगा, उसके बाद में उस आईसी पे जाती है, ठीक है। और यहाँ से हमारी VPH पावर लाइन बनती है, ये जो हमारा बूस्ट बक कॉइल लगा हुआ है, इसी से हमारी VPH पावर लाइन बनती है। और ये लाइन हमारी ऊपर वाली जो देख रहे हैं, ये हमारी सीधा पावर आईसी में जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये लाइन यहाँ से आती है, VPH पावर लाइन इन कंपोनेंट के थ्री इस आईसी पे जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये लाइनें हैं जो हमारी वोल्टेज की, इसमें आप देख सकते हैं वोल्टेज की लाइनें, इनको हमें ध्यानपूर्वक देखना और सही करना है। एक लाइन इस पे आती है 1.8 वोल्ट की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को थ्रू इस आईसी पे जाती है, और VBAT की लाइन यहाँ पे आती है, इसके अंदर जाती है। इस पे हमें जो वोल्टेज देखने को मिलेंगे वो हमें 4 वोल्ट तक देखने को मिलेंगे, 2.37 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, VPH पावर लाइन इस पे हमें। तो इन आईसीओ के जो वोल्टेज हैं, ये हमें विशेष करके ध्यान रखना है, नेटवर्क वर्क नहीं करना तो, ठीक है दोस्तों। और इस आईसी पे, ये हमारी PM IC भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों, इस आईसी पे भी वोल्टेज ये जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है दोस्तों। ये वोल्टेज अगर नहीं मिलेंगे तभी ये मोबाइल वर्क नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। अब ये जो हमारी दो लाइन है, ये भी हमें ध्यान करके सही करनी, इन पे वोल्टेज आने चाहिए, इन पे वोल्टेज आने चाहिए,
और यहाँ पे इस आईसी के इस पॉइंट यहाँ पे भी वोल्टेज आने चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज आने चाहिए, ठीक है दोस्तों, इन कंपोनेंट्स पे वोल्टेज आने चाहिए, तभी हमारा नेटवर्क वर्क करेगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए, और ये लाइनें जो हैं हमारी यहाँ से आ रही हैं। जूम आउट कर देता हूँ, तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद दोस्तों।